हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं, और आज की क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 8। अगर इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लासेस भी देख लीजिए। प्ले लिस्ट आपकी बन चुकी है इसी स्क्रीन पर। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी, लास्ट में आपको इसकी स्क्रीन पर आपको प्ले लिस्ट शो होगी, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ना मिले तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, राइट। जब ना मिले तो बिल्कुल ये नहीं कि मैडम को परेशानी करना है या फिर चेक करना है कि मैडम आंसर देती हैं कि नहीं देती हैं, मुझे कमेंट का आंसर देती हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। से पहले कि हमने बेसिक इंग्लिश स्किल्स के क्वेश्चन किए थे 3 क्लास में, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निमी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। चाहे कोपा थ्योरी की मैं बात करूँ, कोपा थ्योरी में भी आपके निमी बेस्ड क्वेश्चन ही मैं करवा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उन सभी क्लासेस को देख लीजिए और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास पर, स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक पता चल गया, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह समझना है कि पैसा कैसा है। वित्तीय साक्षरता, अब देखो कुछ कुछ पैसे कमाना जानते हैं लेकिन उसको सहेजना नहीं जानते, उस पैसे का करना क्या है ये ही नहीं जानते हैं। कुछ कुछ पैसे कमाना जानते हैं तो वो पैसे को अच्छी तरीके से सहेजना भी जानते हैं, खर्च करना भी जानते हैं सही से, और उसको इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, वित्तीय साक्षरता का मतलब ये है कि आप उसे कहाँ और कैसे सेव करते हैं, स्पेंड कैसे करते हैं, कितना खर्च करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। कहीं कहीं पर लोग ना सेव सहेजना, यानी कि सेविंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको घर में या फिर बैंक में अपना सेव किए कि बने रहें दो अकाउंट में, या आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए बने रहें दो। और इन्वेस्ट का मतलब होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर राशि है उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो होता है इन्वेस्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है, कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट एसेंशियल ऑफ अवर सर्वाइवल आर। महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखो जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। देखो ज़रूरतें तो होती हैं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरतें होती हैं, चाहत भी होती है कि यार एक बाइक हो या फिर कुछ भी हो, राइट, या और सेविंग्स भी होनी चाहिए। लेकिन जो लग्जीरियस है, लग्जीरियस वो आउट ऑफ हमारे सर्वाइवल से होता है। यानी कि लग्जीरियस तब होता है कि जब बहुत सारा पैसा हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो। लग्जरी लाइफ किसे कहते हैं, हमारी जो काम की चीज़ है उससे हटके, काम का सामान है उससे हटके हमारे पास सामान हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, मैं अकेली रहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अकेली नहीं रहती हूँ, फैमिली के साथ रहती हूँ। अगर मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है एसी की, मैं पंखे से भी काम चला सकती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने पूरे घर में एसी लगवाए रहूँ। भाई अगर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, एक एसी की ज़रूरत है, तो मैं एक एसी लगवाऊंगी, पूरे घर में क्यों ही लगवाऊंगी, राइट। तो ये लग्जीरियस लाइफ होगी कि कोई अनामिका के घर में आए तो देखे कि अरे भैया 4 एसियाँ लगी हैं, तो ये भैया बड़ी लाइफ, अनामिका बड़ी लग्जरी लाइफ जीती है। तो ये होता है, तो महंगी चीज़ें जो हमारे स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है वो होती है लग्जीरियस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर। जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया ना, रोटी कपड़ा और मकान, वही पूछा है। जीवित रहने के लिए जो चीज़ें हैं, देखो नीड्स हैं, चाहत। देखो चाहत कब तक, जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक चाहत रहेगी, नहीं भी होगा तब भी चाहत रहेगी, पैसे की चाहत रहेगी। जब पैसे आ जाएंगे तब सामानों की चाहत होगी, कोई ना कोई चीज़ों की, कहीं ना कहीं घूमने की चाहत रहेगी, सेविंग्स की और एक्सपेंसेस की, खर्चे तो फिर होते ही हैं। लेकिन जीवित रहने, केवल और केवल जीवित रहने के लिए, नो एन्जॉयमेंट, नो घूमना, नो ट्रैवलिंग, कुछ नहीं, केवल जीवित रहने के लिए तो होती हैं जरूरतें। और जरूरतें क्या है हमारी, रोटी कपड़ा और मकान। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सुनीता अर्न्स 10,000 एवरी मंथ, सी कीप्स 2,000 असाइड, सी विल यूज दिस मनी इन केस ऑफ। सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वे 2,000 अलग रख देती है, वे इस पैसे को फिर वो डेस की स्थिति में करेगी। 10,000 कमाती है सुनीता और 2,000 उसमें से वह निकाल कर अलग रख देती है, अपने कहीं छुपा के या कहीं पर भी बैंक में सेव कर लेती है, कुछ भी है।
तो वह किस स्थिति के लिए ये सब कर रही है, रुपए क्यों जमा कर रही है? देखो इमरजेंसी के लिए, राइट, कभी भी कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर अपने किसी रिश्तेदार की या फिर अपने ही परिवार में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का हम लोग कुछ नहीं जानते, राइट। तो इमरजेंसी के लिए वो 2,000 रुपये हर महीने निकाल कर रख लेती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, गोपी स्पेंड्स हिज सैलरी ऑन मूवीज, ग्रोसरीज, हाउस रेंट एंड क्लॉथ्स, वेयर कैन ही रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस टू सेव मनी। गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं, वे अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसे कहाँ बचा सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जस्ट रोटी, कपड़ा और मकान बोला था, शुरुआत से मैं क्यों बोलती आ रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, बोलती आ रही हूँ क्यों? देखिए गोपी जो है वो फिल्म देखते हैं, अब किराने का सामान यानी वही आटा दाल वगैरह, तो किराने का सामान यानी कि रोटी। अब आ जाओ किराया यानी कि मकान, कपड़े। तो मैंने बोला था कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं या फिर हमें जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वही चीज गोपी के बारे में बोली गई है कि जो गोपी है वो अपने जो पैसे हैं वो किस में बचा सकते हैं, फिल्म में। ये तीन चीजें तो जरूरत है, इसमें तो कोई भी कटौती हो ही नहीं सकती। कपड़ों में हो सकते हैं कि आप ब्रांडेड ना पहने, बस कपड़े नॉर्मल पहने जैसे पहने जाते हैं, लेकिन जो फिल्म है, फिल्म ना देख के वो अपने पैसे बचा सकते हैं, मूवीज, ऑप्शन सी। आंसर तो आप लोग देते ही बहुत बढ़िया तरीके से। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर तो कोई भी डाउट है, आप बाद में कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट पे नहीं, कमेंट पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैन बी डन थ्रू आप, सभी वित्तीय गतिविधियां डेस्क के माध्यम से की जा सकती हैं। जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो बैंक के द्वारा ही तो होती हैं, स्कूल के द्वारा तो नहीं होती है, कॉलेज के द्वारा नहीं होती है, वर्क प्लेस के द्वारा नहीं होती है। मैंने क्या बोला है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं, आपकी जितनी भी सोचने की क्षमता है उसका 10% आप इन क्वेश्चन में लगा दोगे, आंसर आपके बिल्कुल सही जाएंगे। एक दो लोगों का अभी भी डाउट है कि देखो, तभी मैं कहती हूँ कि रोज क्लासेस देखा करो, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बीच बीच में मैं क्लास के बीच में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ जो आपके काम की है, कोई टाइम पास नहीं है, बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके एग्जाम में इंग्लिश प्लस हिंदी जैसे मैं क्लासेस में आपको करवाती हूँ वैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान कौन सा है? ये देखिए ऑप्शन पढ़िए, आंसर तुरंत दे देंगे, हॉस्पिटल, बैंक, पंचायत या फिर असेंबली। अब धन को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है भैया? बैंक में। कहीं एकदम पैसे इकट्ठे हो जाते हैं घर में तो लगता है कि अब चोरी ना हो जाए, चलो बैंक में जमा कर देते हैं। तो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान कौन सी होती है? बैंक होती है। अब आप कहोगे सरकार द्वारा, प्राइवेट भी तो होती है। अरे भैया प्राइवेट को भी तो लाइसेंस देता है सरकार कि आप, हाँ बैंक, आप बैंक हैं, लाइसेंस मिलेगा तभी तो वो बैंक बनेगी ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप अपने घर में आ जाओ भैया, 4 पेटियां रख लो, जमा करवा के मेरे पास और कभी भी निकालो, ऐसे तो नहीं ना, ऐसे नहीं होगा। सरकार चाहे प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, सरकार ही लाइसेंस प्राप्त करवाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ इट इज डैश अकाउंट, जब कोई व्यक्ति हर महीने निश्चित राशि जमा करता है तो यह डैश खाता कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, निश्चित राशि, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं हर महीने 5,000 रुपये अपने अकाउंट में सेव करती हूँ, हर महीने, ये एक निश्चित राशि है, 5,000 एक भी नहीं, निश्चित राशि 5,000 केवल, तो ये निश्चित राशि में जमा करती हूँ, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट कहलाएगा, कौन सा खाता होगा? ये खाता होगा रिक्वायरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्य हैज ज्वाइन अ न्यू कंपनी, दे वांट हिम टू ओपन अ डैश अकाउंट सो दैट दे कैन क्रेडिट हिज सैलरी। आर्य एक नई कंपनी में शामिल हो गए हैं, वे चाहते हैं कि वह एक डैश खाता खोले ताकि वो तो उसका वेतन जमा कर सकें। आर्य है, उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है, तो जो कंपनी वाले वो चाहते हैं कि उनका एक खाता खोले ताकि वे उनका वेतन उस अकाउंट में डाल सकें, आर्य का वेतन अकाउंट में डाल सकें। तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा? हर महीने सैलरी जाएगी अकाउंट में, हर महीने सैलरी डालेगी कंपनी, तो वो अकाउंट जो होगा आर्य का वो क्या कहलाएगा, कौन सा अकाउंट होगा? तो वो होगा करेंट अकाउंट, ऑप्शन डी, करेंट अकाउंट। 10 नंबर क्वेश्चन है, अविनाश नीड्स टू नो अबाउट हिज लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन, हाउ कैन ही गेट दीज डिटेल्स।
अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन का जमाना, ऑनलाइन वॉलेट देखिए आपके वो होते हैं पेटीएम होते हैं, यूपीआई, भीम यूपीआई, राइट, गूगल पे, ये सारे ऑनलाइन वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। तो ऑनलाइन देखो 5-5 रुपये में ट्रांजेक्शन होने लगा है कि 5 रुपये की कुछ भी खरीदो, ये लोग हमने क्यूआर कोड स्कैन किया और आपको पेमेंट कर दिया। तो अविनाश को यह जानना है कि मैंने पिछले महीने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन किया, कितना मेरा खर्च हुआ, राइट। तो उसको ये सब देखना है, तो भाई ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेकबुक। अब चेकबुक तो देखो होगा नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा, डेबिट कार्ड भी नहीं होगा, पासबुक। आप कहेंगे पासबुक कैसे, तो देखिए आप बैंक में जाएंगे अपनी पासबुक लेके, अगर आपको पिछले मंथ का पूरा लेन देन देखना है तो बैंक में जाएंगे, आपको एक बड़ी सी मशीन दिखेगी, बड़ी सी मतलब आपके हाइट के बराबर, चौड़ी नहीं बिल्कुल, मतलब आपके इतने जितने शरीर की थोड़ी सी छोटी सी, लगभग 4.5 फीट के आसपास होगी कितनी। तो उसमें आप अपनी पासबुक खोल के डालेंगे, जहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है पूरा ट्रांजेक्शन कितना कहाँ हुआ है, जहाँ पर प्रिंट करवाना है आप वही पेज खोल के ऐसे डाल देंगे, तो कुछ ही सेकेंड्स में, 5 से 10 सेकेंड में पूरा ट्रांजेक्शन आपका उसमें प्रिंट होकर आ जाएगा। तो पासबुक के द्वारा भी अपना पूरा विवरण देख सकता है। या फिर एक ऐसा भी है कि आप अपने बैंक में जाएं, वहां से बोल दें कि मुझे इस महीने का पूरा विवरण दें, तो वो पासबुक वगैरह, पासबुक तो मेन है, आपको बैंक में भी जाना होगा और पासबुक से भी हो जाएगा। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, जिस भी बैंक में आपका खाता खुला है तो बैंक अकाउंट से भी, सॉरी बैंक अकाउंट नहीं, बैंक की जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वहां से भी आप सारी चीज़ें लेन देन की आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, पासबुक है, तो पासबुक का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, बाकी सारी चीज़ों से आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑनलाइन बैंकिंग को डैश भी कहा जाता है, होम बैंकिंग, ऑफिस बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर सेल्फ बैंकिंग। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसको हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं, क्या होगा ऑप्शन सी, नेट बैंकिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन हैपन इन, वित्तीय लेन देन डैश में हो सकता है, जो वित्तीय लेन देन होता है वो किस किस में हो सकता है, लोन ट्रांजेक्शन, कैश कूपन या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब देखो जो वित्तीय लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के रूप में भी हो सकता है। डिजिटल यानी कि आप कहोगे कि हम आपको सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आपको क्या कर देंगे, आपके सीधे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो कहलाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन है, दिस आई वांट टू पे मनी टू द हर लोन अकाउंट, हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू द बैंक। दिशा अपने लोन अकाउंट में पैसे चुकाना चाहती है, वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है। दिशा ने कोई लोन लिया होगा, राइट, और वह अभी बैंक नहीं जा सकती है, वह कहीं पर बाहर है, दूर है, लेकिन उसे वो जो लोन है उसके पैसे हैं, मंथली होगा, तो वो हर महीने उनके पैसे चुका रही है, लेकिन फिलहाल वह बाहर है, तो वो पैसे कैसे चुका पाएगी। तो क्या करेगी, ऑनलाइन ट्रांसफर, ओपन बैंक अकाउंट या फिर क्लोज अकाउंट या फिर विदड्रॉ फ्रॉम ATM। तो वो अब वो जा नहीं सकती है बैंक में, तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगी, अब तो हर चीज़ की सुविधा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इंदु बुक्ड हर रेलवे टिकट फ्रॉम द वेबसाइट एंड पेड यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज इट। इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और भुगतान बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया, यह किस प्रकार का लेन देन है, मतलब इंदु ने रेलवे टिकट बुक कर लिया है ऑनलाइन ही और ऑनलाइन ही भुगतान कर दिया है, तो ये किस प्रकार का लेन देन होगा, तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, राइट, डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा। अब कैश पेमेंट कब होगा, जब वह जाती रेलवे स्टेशन पे, राइट, वहाँ पे टिकट खिड़की होती, वहाँ पर वह टिकट कटवाती, नगद पैसे देती, तो उसके पास एक हार्ड कॉपी भी होती ना, अब टिकट मिलेगा तो वो कागज़ वाला मिलेगा। लेकिन इंदु ने क्या किया, रेलवे टिकट अपने फ़ोन में ही बुक कर लिया है, फ़ोन से ही पैसे दे दिए और टिकट भी फ़ोन में ही ऑनलाइन आ गया है। TT चेक करने आएगा तो फ़ोन में ही दिखा देगी कि देखो भैया हमारे पास है टिकट, तो क्या हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन ये लेन देन कहलाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, रवि वेंट आउट शॉपिंग बट ही फॉरगेट टू कैरी हिज वॉलेट, हाउ कैन ही पे फॉर हिज बिल्स। रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले जाना भूल गया, वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है। भाई रवि को उसकी मम्मी ने पूरी लिस्ट दे दी कि बेटा ये सामान ले आना, ठीक है। अब रवि तो होंगे शायद फ़ोन में इतने बिजी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैंने पर्स लिया है कि नहीं लिया है, फ़ोन में बिजी है बस,
अब बाजार गए, सामान सब कुछ खरीद लिया, देखा कि पर्स ही नहीं लाए हैं। अब सोचा कि ऐसे खाली हाथ वापस जाएंगे तो पड़ेगी मार, खाना भी नहीं मम्मी देंगी, उसे दे देती हैं, एकदम बोलती है ना कि खाना आज कुछ नहीं मिलेगा, तुम कुछ नहीं लाए हो, राइट, मंगाया था, पैसे भी देते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं लाए, राइट। लेकिन मम्मी बाद में दे देती, वो मम्मी है, बोलती तो कुछ भी है, मतलब जैसे होता है ना कि फोन पे बोलती हैं घर आओ तो मैं बताती हूँ, मतलब जैसे लेट हो जाओ तो मम्मी एकदम गुस्से में, नहीं कहती हैं घर आओ आज तो मैं बताती हूँ, और घर पहुँचो वो कुछ नहीं बताती, आज तक पता ही नहीं चला कि क्या बताना चाह रही थी, राइट, धमकी देती है घर आओ तो मैं बताती हूँ, और बताती फिर कुछ नहीं है, फिर तो ना कहाँ थे, बस खाना खाओ आके, इतना। हाँ तो मैं आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई, तो वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है? बटुआ भूल गया है लेकिन उसके पास फोन तो है ना, वो पेटीएम कर देगा, गूगल पे कर देगा, या फिर भीम यूपीआई कर देगा, जो भी एप्लीकेशन वो यूज करता है वो कर देगा। अब मैंने बोला ना डिजिटल वॉलेट में ये सारी चीज़ें आती हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, जो भी ट्रांजेक्शन वाले ऐप्स हैं वो। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेट बैंकिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ, नेट बैंकिंग किसके माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है? तो नेट बैंकिंग है वो कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है, किसके द्वारा? फोन, फ्रेंड, कैशियर, या फिर वेबसाइट? देखो आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपकी कोई भी बैंक होगी, HDFC, तो उसकी वेबसाइट अलग होगी, वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करेंगे, राइट, तभी तो आप अपना जो भी देखना चाहते हो, बैंक का लेन देन कहाँ पर क्या कुछ, तो आप अपनी वो जो वेबसाइट है उस पर जाके, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस वेबसाइट पर जाएंगे आप, उस बैंक की वेबसाइट पर, या फिर पंजाब PNB, ये सारी जो बैंक है, जो भी हो है बैंक, उनकी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू, स्मार्टफोन पर हम डेस्क के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंप्यूटर पर, इसमें क्या है, स्मार्टफोन पर। अब देखो स्मार्टफोन पर भी हम वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन ईजी है कि हम उसका जो भी बैंक का ऐप है वो डाउनलोड कर लें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा BOB का हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, BOB। ओहो आज क्या बोल रही हूँ मैं, BOB नहीं, ऑप्शन बी, BOB मतलब अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो आप वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे तो आप मोबाइल बैंकिंग, कंप्यूटर पे तो आप नेट बैंकिंग, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 है ठीक है, वो 17 था, ये 18 है, वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं किस 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 चीज के लिए, चेकिंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर फंड, पे बिल्स, या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा, हम नेट बैंकिंग देखिए स्टेटमेंट की जांच करने के लिए भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी करते हैं, बिलों का भुगतान भी करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 19 नंबर क्वेश्चन है, जन्नू लॉग इन टू हर बैंक यूजिंग हर फ्रेंड्स अकाउंट, व्हाट शुड सी डू टू द वेबसाइट, जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? जो जन्नू है उन्होंने अपने दोस्त के लैपटॉप में, उन्होंने बोला होगा कि भैया तुम अपना थोड़ी देर के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे दो, मुझे बैंक का कुछ काम करना है। अब बैंक में देखिए वेबसाइट पर गए, बैंक की वेबसाइट पर गए, वहाँ पर लॉगिन किया, आपने अपना पासवर्ड वगैरह डाला होगा, ID डाली होगी, पासवर्ड डाला होगा, तो उससे लॉगिन किया होगा, काम हो गया, तो वो ऐसे ही थोड़ा ना दे देगा लैपटॉप अपना, अपना नहीं उसका, उस दोस्त का जिसका है, उसको ऐसे ही थोड़ा ना देगा, उसे क्या करना चाहिए, भैया पैसे का मामला है, मतलब बैंक है तो पैसे हैं, पैसे का मामला है, पैसे देखो भैया दोस्त दोस्त नहीं रहता, दुश्मन बन जाता, भाई भाई नहीं रहता, पैसा ही तो है, पैसा ही तो जड़ है, पैसे ही से सबकी इज्जत होती है, पैसे ही से इज्जत नहीं होती है, तो पैसा चढ़ है, अब बैंक है, अब वो क्या करेगा, आप कहोगे मैडम ये इतना कुछ ना बोला करो, लॉग आउट इसका आंसर है, अब लॉग इन किया है, अपना लैपटॉप वो तो चल जाता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, अपना लैपटॉप घर पे रहता है, मेरे पास ही रहता है, राइट, तो उसमें लॉग इन बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी दूसरे के लैपटॉप में हमने बैंक की डिटेल को ये सब कुछ लॉग इन किया है और उसको क्या बोलते हैं, लॉग आउट करना जरूरी है, राइट, लॉग इन किया है तो लॉग आउट करना जरूरी है उस वेबसाइट से। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, सी शुड नॉट शेयर हर डेस्क विद एनीवन, प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे अपना डेस्क किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। सेम पिछला क्वेश्चन है कि उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए, अब लॉग आउट क्यों करेगा, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके दोस्त तक ना पहुंच पाए, भैया दोस्ती अलग है और पिन पासवर्ड OTP अपनी जगह है, तो जो प्रगति है उसने अपने मोबाइल बैंक पर
मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे अपना एड्रेस किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, पिन भी साझा नहीं करना चाहिए, ओटीपी भी साझा नहीं करनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज ऑन मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है। मैंने आपको बताया था ऑनलाइन भुगतान ऐप कौन कौन से होते हैं, राइट, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, तो ये क्या कहलाते हैं, डिजिटल वॉलेट। भाई रवि वाला क्वेश्चन याद करो, रवि बटुआ ले जाना भूल गया था लेकिन उसके पास था ऑनलाइन या फिर डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट किया उसने डिजिटल वॉलेट के थ्रू। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच अमाउंट दिस इज नॉट अ डिजिटल वॉलेट, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है। भाई पिछला क्वेश्चन है घुमा फिरा के, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, ऑप्शन बना देते हैं, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, बस यही है। ऐसे ही आपकी चोपा थ्योरी में होगा, क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछ दिए जाएंगे, बस क्वेश्चन का अर्थ वही होगा। ये क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है, तो डिजिटल वॉलेट जो देखो गूगल पे भी होता है, पेटीएम भी होता है, भीम यूपीआई भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी होगी क्लास नंबर 9, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, इसी 9 नंबर क्लास के साथ ये टॉपिक हो जाएगा हमारे कंप्लीट। उसके बाद हम क्लास नंबर 10 से दूसरा टॉपिक करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये क्लासेज, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब कि आपको 50 से 50 नंबर लाने ही हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो बस आपको क्लास बाय क्लास जैसे जैसे मैं करवाती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, बस एक ही बार देखना है, फिर मैराथन क्लास देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आपको क्लास बाय क्लास टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग आंसर भी बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं, कोई भी डाउट आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे, तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मेरे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे देखिए आपको कोई भी चीज़ होती है या फिर क्लासेस का शेड्यूल मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ कि इतने बजे आपकी क्लास आने वाली है, आज शाम को इतने बजे आने वाली है, या फिर क्लासेस नहीं होती हैं अभी तक तो कोई भी क्लास एक भी मिस नहीं हुई है, रोज़ डेली हमने क्लास की है, कोई भी अभी तक मिस नहीं हुई, क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे अभी, मैं तो अभी घर पे हूँ, मेरी अभी प्रायोरिटी है या आपके क्वेश्चंस करवाएं, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। इससे पहले क्लासेस देखिए, आपको अगर आपने नहीं देखी है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस सारी देख लीजिए, नहीं देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको हर बार बोल दूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। बाकी मिलते हैं आपको क्लास नंबर 9 में, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, मैं हर बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अपनी क्लास नंबर 9 में।